स्वागत करछि आपण मानको कथाटी सीरीज रो 40तम अध्याय को। ए सीरीज माध्यम रे हमर प्रयास कथाटी जीवन बदलाय सहायक हो। बहु पुरातन समय रे कथा जन सिद्ध ऋषि थिले, महान ऋषि थिले, से त्रिकाल ऋषि थिले। से जंगल रे तांको कुटीर साइड रे तपस्यारत थिले। दिने कहन छि राजांको दरबार रु किछु दस्यु आसी सेठर राजांकर माने गहना सब लुटिकी नेकी जंगल अभिमुखे जाउथले। जाउ 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 से देखिले सिपाही माने मध्य तांको पीछा करथले। से जंगल रे देखिले जने ऋषि बसछन्ते, तांको कुटिया खाली अछि। से कुटिया मध्य रे से सुना उडा रख देकी कुटिया पछपट देकी पळेले। सिपाही भितर आसुआ जने सिपाही लक्ष्य कला जे से दस जनक से कुटीर भितर हेकी गला बोली। सी से पछ 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 से खोजी खोजी से कुटीर भितर पहुँचले। दस्यु मानक सीना पाइले किंतु राजा जहाँ गहना थिला से कुटीर भितर पाइले। हेले कुटीर भितर से गहना गुड़ाक जबत कले। पुणी भाव देखिले किए यहाँ नहीं कुटीर साइड साइड देखला बेले जड़े तपस्या करते। सिपाही मैंने भाविले यही बोधे से लोक जे कि राजांकर सब गहना गुड़ाक नहीं कि से कुटीर रखिदे आउ तपस्या करार नाटक करके बाहर बसि से कि बुझे से ही ऋषि को महान ऋषि को धरिकी राजा पाख गले। राजा मध्य किसी बुझे कि शुणिले कहले ए महान ऋषि ए महान ऋषि सॉरी यही ऋषि जनक अपराध कर लोक जनक अपराध कर शूली दंडादेश दि जाऊ। ऋषि एक कथा सब शुणु था कि कहू न था जेहेतु से त्रिकाल दर्शी थे जेहेतु से तपस्वी थे से मन मन चिंता कर मोर कौ जन्मर पापाई मु कर्म फल भोगुचे। सीए तर से ही जन्मर अवलोकन कले मुझे जन्म कौन एमती पाप करी जे मत शूली दंड मिलू। सी देखिले से ही जन्म किसी नाला पुणी विगत जन्म देखिले जेहेतु से त्रिकाल दर्शी थे से विगत जन्म तर अंतर्दृष्टि मध्यम देखिले जे मु कौन पाप करी जे मत शूली दंड मिलू। एमती गोटे पर गोटे जन्म देखु था एमती पखापाखी शहे जन्म देखिले किंतु शहे जन्म लगलानी जे से एमती किसी बड़धरण पाप कराफल शूली दंडादेश मिल से भगवान का शरण गले। भगवान को प्रार्थना कले, भगवान को निवेदन कले जे हे भगवान मुमती कौन करी जे मत शूली दंडादेश मिलू। तो ईश्वरीय निर्देश है जे हे ऋषि तुम्हें तुम शहे एक तुम जन्म को अवलोकन कर। शहे एक तुम जन्म को अवलोकन कले तो से देखिले से जेतेबेले छोट पिलाटीए थिले गोटे कीट को गोटे हाथ में धरते गोटे लुहा कंटारे से कीट को गेंजुले। से कीट को गेंजिले कीट को कष्ट होता किंतु सी खुशी होते। तो ऋषि जाणिले जे तांकु एही दंड जोगु तांकर ए प्रकार कर्मफल अछि किंतु ऋषि चिंता कले मु तो भगवान को नित्य तपस्या करछि भगवान को साधना करछि ताहले कौन से साधना और से तपस्यार किछि मूल्य नै। एमिति चिंता करथांदी गोटे पाख गाँर से जंगल पाखर गाँव रिच्छी गोटे समूह समूह ग्रुप ऑफ पीपल से माने आसिक राजा को कहले राजा आपण भूल करिया को जाउछंती यही जो लोक को आपण शूली दंडादेश दे जाऊँ ये प्रकृत चोर नुहंती ये हूँ महान ऋषि मांडुक्य जे कि त्रिकालदर्शी जे कि जड़े तपस्वी जे कि निरंतर साधन करते जंगल रे। तो राजा मध्य बुझिले आरे ठीक कथा मु बोधे भूल रे क्या ये कराई तो सी राजा ऋषि को क्षमा प्रार्थना कले आ ऋषि को से मुक्त कले। तो ऋषि ये सब जिनस देखु था वारे तेरी वारे भगवान तेरा अपरंपार तेरा लीला केत कौन सब घटना घटाला से भावुले कि समय तले सी तपस्या करते पुणी शूली आसिले पुणी शूली होगा कि लोक आसिक शूली रू बचले एमती सब अवलोकन करतापर से मन मन से कीट को क्षमा मागिले जे हे कीट मु जो तुम प्रति अपराध करमा दि आउ राजा मुक्त हेले पुणी से तपस्या रे लीन हले। तो बंधुगण कहिबार तात्पर्य या ए पृथ्वी रे सबु किछि मिछ हे थाय पारे किंतु गोटे कथा सत से होची कर्मफल। आमे जे जहा करे से ता भुंजई मिछे मिछे खाली कर्म को निंदे। आमे जो प्रकार कर्म करिवा से प्रकार कर्मर फल आमको मिलिबो ही मिलिबो किंतु गोटे जिंस हे पारिबो आमे आमर उत्तम कर्म द्वारा आमे आमर पुरातन कर्मफल को डिलीट करि परिबा बा पुरातन कर्मफल को मैनेज करि परिबा से दिगरे
ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସରତ, ଆଉ କିଛି ସମୂହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସରତ ଯେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଫଳ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ କର୍ମଫଳର ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସହିତ ଥିବା ଆମର ବିଗତ ଜନ୍ମର ବହୁତ ଜନ୍ମର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଆମର ର ସମ୍ଭାରରେ ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ସୃଷ୍ଟି। ହୁଏତ ଆମେ କିଛି ପାପ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ହୁଏତ କିଛି ଆମ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ବି ପାପ କରିବା, ଯାହା ବି ପୁଣ୍ୟ କରିବା, ନିଜେ ତ ଫିଟିଯିବା, ନିଜ ଆଖିରୁ ତ ଫିଟିଯିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରମ ସତ୍ତା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖରୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫିଟିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତିଆ କର୍ମ କରିବା ସେମିତିଆ କର୍ମଫଳ ମିଳିବା ହିଁ ମିଳିବ, ଇଏ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। କର୍ମଫଳ ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ସଭିଙ୍କୁ ନିବେଦନ, କର୍ମ କଲାବେଳେ ସଚେତ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କ ସଚେତରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହାନି ନ ହେଉ, କୌଣସି ବି ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନ ମିଳୁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଜନ୍ମରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ କିଏ ଛୋଟା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, କିଏ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ନିହାତି ଭାବେ ସେ ଅଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥିଲା ବା ତା ବିଗତ ଜନ୍ମରେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥିଲା। ସେଇ ଦୁରୁପଯୋଗର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ସେଇ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ବା ସେଇ ଅଙ୍ଗର କ୍ଷତିପୂରଣ ସକାଶେ ସେଇ ଦଣ୍ଡଟି ମିଳିଛି। ଜଣେ କାହାକୁ କି କାହାକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି ବା ଗୋଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ତ ଜଣେ କି ଲୋକ ଗୋଟେ କିଛି କରିପାରୁନି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମନରୁ ହାଏ ବାହାରିଥିବ ଯେ ହେ ବହୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କରିବାର କଥା କରନ୍ତୁ, ତ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ସେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ମାତ୍ରେ କର୍ମଯୋନି, ମଣିଷ ହେଉଛି କର୍ମଯୋନି, କର୍ମଯୋନିରେ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ, କର୍ମଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କର୍ମ କଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ସଚେତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କାହାର ଯେମିତି ହାନି ନ ହେଉ। ଆଜିର ଏହି ସିରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟାସ, ସମସ୍ତେ କର୍ମ କଲାବେଳେ ସଚେତ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଆଗାମୀ ଶନିବାର ଦିନ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଅ ସମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସିରିଜ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ପେଜ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ 2 ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ବାହାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।